हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और ये टॉपिक आपके एग्जाम आपके उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज के क्लास को थोड़ा भी स्किप ना करें और अच्छे से पूरे क्लास को अटेंड करें। तो आज के क्लास का जो टॉपिक है उसका नाम है डीएनए माइक्रोएरे, या फिर आप इसे डीएनए चिप्स या फिर बायो चिप्स, इन तीनों के नाम से ही जान सकते हैं। या फिर डीएनए माइक्रोएरे, डीएनए चिप्स या बायो चिप्स, ये तीनों नाम एक ही टॉपिक के हैं। चाहे आप इसे डीएनए चिप्स, बायो चिप्स, डीएनए माइक्रोएरे, किसी भी नाम के थ्रू आपके क्वेश्चन पेपर में इससे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो इसीलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम आज क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं कि डीएनए चिप्स किसे बोलते हैं, इसका यूज कहाँ पर होता है। तो इसका यूज सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो डीएनए चिप्स है, डीएनए चिप्स या बायो चिप्स या फिर डीएनए माइक्रोएरे, ये सब एक ही है। तो इनका सबसे पहले यूज होता है कोई भी डिजीज हो गया उसको एनालाइज करने के लिए। और ये एनालाइज कैसे करते हैं, इनमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, इन सभी बातों पर हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डीएनए चिप्स क्या है। तो ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, इसको आप एकदम सिंपल वे में समझिए कि डीएनए चिप्स क्या है। तो ये जो डीएनए चिप्स होता है, ये एक टेक्नोलॉजी होता है। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि जो नॉर्मल सेल है और जो कैंसरस सेल है, जो कि डिजीज काज करने वाले सेल है, उनमें से जो एमआरएनए है उनका एक्सप्रेशन कैसा है, क्या डिफरेंस है नॉर्मल सेल के एमआरएनए के एक्सप्रेशन में और डिजीज काज करने वाले सेल के एमआरएनए एक्सप्रेशन में क्या क्या डिफरेंस है, यही हम डीएनए चिप्स के थ्रू ये पता लगाते हैं। और इसका यूज होता है डीएनए और डिजीज के एनालाइज करने के लिए, डिजीज को एनालाइज करने के लिए इसका यूज होता है। तो आइए अब हम इसको एक डिफिनीशन के फॉर्म में समझ लें। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पुटअप होता है तो आपको वहां पर लिख कर आने में और आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए कि जो आपके स्क्रीन पर ये जो डिफिनीशन विजुअल हो रहे हैं कि डीएनए माइक्रोएरे, हमने अभी बताया कि डीएनए माइक्रोएरे, डीएनए चिप्स, बायो चिप्स एक ही टॉपिक है, इसके अलग अलग नाम है। तो डीएनए माइक्रोएरे एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जो कि मेजर करता है एमआरएनए के एक्सप्रेशन के लेवल को, नॉर्मल सेल के बीच और डिजीज काज करने वाले सेल के बीच के एमआरएनए के एक्सप्रेशन को ये शो करता है कि क्या क्या उनके बीच डिफरेंस है। तो अब अगले पॉइंट को देखिए, माइक्रोएरे चिप्स और रेक्टेंगुलर चिप्स ऑन विच गार्ड ऑफ डीएनए स्पॉट। ये जो माइक्रोएरे चिप्स है, डीएनए चिप्स, बायो चिप्स, ये जो चिप्स होते हैं ये एक रेक्टेंगुलर चिप्स होते हैं जिसमें कि एक गार्ड होती है जिसपे कि डीएनए स्पॉट को हम रखते हैं जो एनालाइज करने के लिए, डिजीज के एनालाइज करने के लिए। तो आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। दिस स्पॉट फ्रॉम अ टू डायमेंशनल एरी, इस स्पॉट में जो ये स्पॉट है इसमें टू डायमेंशनल एरी होते हैं, और ये जो एरी होते हैं ये कंटेन किए होते हैं मिलियन ऑफ सम डीएनए स्ट्रैंड बाउंडेड टू देयर चिप्स। तो ये जो डीएनए, जो ये चिप्स होते हैं ये बाउंडेड किए होते हैं डीएनए स्ट्रैंड को, डीएनए स्ट्रैंड को ये बाउंडेड किए होते हैं, क्योंकि डीएनए जब रहेगा तो उसी के थ्रू तो हम पता लगाएंगे कि नॉर्मल सेल के एमआरएनए एक्सप्रेशन में और डिजीज काज करने वाले सेल के एमआरएनए के एक्सप्रेशन में क्या क्या डिफरेंस है, जिसके थ्रू हम डिजीज को एनालाइज करते हैं। तो आइए अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं। तो चिप आर मेड, ये जो डीएनए चिप्स है इसका ये कैसे मेड होता है, इसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो ये जो चिप्स आर मेड टीनी, सो द स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए इज नीडेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल सेल, इसमें केवल स्मॉल अमाउंट की ही रिक्वायरमेंट होती है, इसमें केवल स्मॉल अमाउंट की ही रिक्वायरमेंट होती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये अभी हमने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया कि इसमें एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं डीएनए को, जो डिजीज है उसको एनालाइज किया जाता है। तो आई होप कि आप इसके डिफिनीशन को अच्छे से समझ गए होंगे कि डीएनए चिप्स क्या है, उसके कौन कौन से डिफर नेम है, इसका वर्क कहाँ पर है, इसका यूज क्या है। तो और इसके यूज को हम आइए और डिटेल में देखते हैं। तो इसके यूज में देखेंगे, अभी हमने आपसे बताया कि मेजर करते हैं एमआरएनए के एक्सप्रेशन में नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल या फिर डिजीज सेल के बीच में। तो अब इसका जो मेथड है, इसको डिजीज के एनालाइज करने के लिए क्या क्या मेथड है, आपके स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप सभी मेथड यहाँ पर विजुअल हो रहे हैं। तो सबसे पहले मेथड में क्या करेंगे कि जो एमआरएनए है
उसको आइसोलेट किया जाता है। अब फिर उसके बाद प्रीपेयर्ड कॉलर्ड लेबर CDNA, फिर उसको कॉलर्ड लेबल दिया जाता है, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइज्ड लेबर CDNA टू अ सॉलिड सरफेस माइक्रोस्कोपिक DNA स्पॉटिंग अटैच टू द सॉलिड सरफेस। और फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट में वॉश द अनबाउंडेड लेबर CDNA, और जो लास्ट एकदम है एकदम उसमें हम डिजीज को एनालाइज कर लेते हैं। तो ये जो स्टेप हैं इन्हीं स्टेप के थ्रू ये सभी मेथड इन्हीं से बायोचिप्स में ही इन्वॉल्व होते हैं और इन्हीं स्टेप के थ्रू हम डिजीज को एनालाइज कर लेते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि ये जो मेथड हमने अभी आपको बताया ये आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा, लेकिन हम अभी आपको आपकी स्क्रीन पर ही एक फिगर को विजुअल करेंगे और उस फिगर के थ्रू और भी आप इस पूरे प्रोसेस को बायोचिप्स के पूरे प्रोसेस को कैसे हम एनालाइज करते हैं डिजीज को वहां से आप और बेटर को समझ पाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं जो फिगर है उस फिगर की ओर और कुछ और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल सेल है, एक कैंसरस सेल है। यहाँ पर एक नॉर्मल हमने अभी क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि बायोचिप्स के थ्रू डिजीज को एनालाइज करते हैं और एनालाइज में क्या होता है कि नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल के बीच के कैंसरस सेल के बीच में जो mRNA है उनके एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन में हम विभिन्नताओं को जानते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ये कैंसर नॉर्मल सेल है, ये एक कैंसरल सेल है। तो फर्स्ट मेथड में हमने बताया कि इसके सेल को कल्चर करते हैं, सेल कल्चर करते हैं मतलब कि mRNA को आइसोलेट करते हैं। यहाँ पर mRNA आइसोलेट हो गया और फिर इसको कलर करते हैं। तो ये जो नॉर्मल सेल का mRNA है वे ग्रीन फ्लोरेंस प्रोब्स को प्रदर्शित करेगा और जो कैंसरस सेल है इनका जो mRNA है वे रेड फ्लोरेंस प्रोब्स को ये यहाँ से प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर देखिए एक स्कैनर होता है और इसी स्कैनर के थ्रू जब इसको स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए कई कलर यहाँ पर शो होंगे। तो यहाँ पर कलर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर अगर स्कैन करने पर अगर येलो कलर आपको विजुअल होता है तो येलो कलर का मतलब कि बोथ दोनों सेल, ये जो नॉर्मल सेल है और कैंसरस सेल है, दोनों सेल के ही जो mRNA है वे एक्सप्रेस करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन कलर के अगर mRNA एक्सप्रेस हो रहे हैं तो वहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि ये नॉर्मल सेल के ही mRNA है। लेकिन जब यहाँ पर आपको स्कैन करने के बाद यहाँ पर रेड कलर के mRNA अगर आपको विजुअल हो रहे हैं तो वहाँ से आप सीधे ये पता लगा सकते हैं कि ये जो mRNA एक्सप्रेशन है ये mRNA एक्सप्रेशन कैंसरस सेल या फिर डिजीज सेल के हैं और इसी के थ्रू हम जो डिजीज है उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो एक बार मैं आपसे फिर एक बार इस पूरे प्रोसेस को रिपीट कर देता हूँ कि जो बायोचिप्स या DNA चिप्स हैं इन्हीं के थ्रू हम नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल का जो mRNA है उनको एक्सप्रेशन के उनके बीच के एक्सप्रेशन को हम पता लगाते हैं कि कितने जो डिजीज को कास करने वाले सेल के mRNA हैं वे कितने एक्सप्रेस हो रहे हैं और जो नॉर्मल सेल के जो mRNA वे कितने एक्सप्रेस हो रहे हैं इसको स्कैन करने के बाद यहाँ पर ये पता लगा देते हैं और इसी के थ्रू हम DNA डिजीज को डायग्नोस कर लेते हैं। तो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो ये टॉपिक को आपको समझाया DNA चिप्स क्या है, बायोचिप्स क्या है और DNA माइक्रो जो कि एक ही पॉइंट है ये क्या है, इन सभी प्रोसेस को आपको समझ में आ गए होंगे, सभी स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे, इनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, इनका डिफिनीशन क्या है, इनको अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो आप किस प्रकार से इसको लिख कर आप आएंगे, इन सभी बातों पर हमने डिटेल से देखा और इसके फिगर के साथ देखा। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन पुटअप होता है तो वहाँ पर आपको जो हमने फिगर के थ्रू समझाया आपको वहाँ पर फिगर बनाकर आना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप उस फिगर को अपने क्वेश्चन के टाइम जरूर मेंशन करके आइएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।